उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे हम ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में आज के युग में रिश्तों की कोई अहमियत है भी या नहीं। रिश्तों को शर्मसार करने वाली दास्तान से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कहते हैं ईश्वर से बढ़कर माँ का दर्जा होता है, पर अगर माँ ही कातिल बन जाए तो इससे आप क्या कहेंगे। जी हाँ, यह सच है। ऐसा ही एक वाक्या हुआ है उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा में। कहते हैं पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पर आगरा में जो कुछ हुआ है उसे आप क्या कहेंगे। आपको बता दें कि श्यामवती ने अपने प्रेमी मुरारी के साथ मिलकर खुद के सगे बेटे का खून करवा दिया है। 6 जनवरी को डॉकी थाना क्षेत्र के एकतरा में रवि की हत्या कर शव जंगलों में फेंक दिया गया था। पुलिस ने जब इस ब्लाइंड केस की तफ्तीश शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कॉल डिटेल और लोकेशन से पता चला कि मृतक रवि की मां श्यामवती से मुरारी के अवैध संबंध थे, तो वहीं मृतक रवि के संबंध मुरारी की बेटी से थी। रवि को पता भी नहीं चला कि कब उसकी मां और प्रेमी मुरारी ने मिलकर रवि की मौत की दास्तान लिख दी। सुपारी किलर योगेश को 2 लाख में मौत की सुपारी दे दी गई, 25,000 एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। आज आरोपी योगेश, उसका साथी वृद्वा राम और श्यामवती गिरफ्तार हो चुके हैं और मुरारी समेत 2 लोग अभी भी फरार हैं। पूरी वारदात में सामने आया क्या वजह नहीं, क्यों हमला किया? जैसे आप लोग जानते हैं, थाना डौकी में 6:45 रात को एक रवि नाम के व्यक्ति का एकथरा रोड पर जाते समय घर उसकी हत्या कर दी गई थी। ये मुकदमा जो मृतक है उसके बहनोई द्वारा उसकी सगी माँ और उसके परिचित के खिलाफ लिखाया गया था, क्योंकि माँ इसमें मुलजिम थी, इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई नहीं किया। इसमें साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने ग्राउंड लेवल पर तथा सर्विलांस के सहायता से इस केस में लगातार प्रयास करती रही और आज इसका अनावरण किया गया है। अनावरण के दौरान यह मालूम हुआ कि जो मृतका रवि की माँ श्यामवती के संबंध मुरारी नाम के व्यक्ति जो मथुरा में रहता था उससे थे। वो जो मृतक रवि है वो मुरारी के लड़की को लेकर के पलायन कर लिया था। 4-5 बार प्रयास करने के बाद भी वो वापस नहीं हुई, तब उसने एक उसकी माँ से एक राय करके उसको मारने की सुपारी योगेश नाम के व्यक्ति जो बीजपुरी में रहने वाला है, जो पहले कई मामले में जेल जा चुका है, उसकी मुलाकात जेल में अपने एक रिलेटिव से मिलने के दौरान हुई थी। उसको 2 लाख रुपये की सुपारी दी, एडवांस में 25,000 रुपये उसने करीब 1 महीना पूर्व मथुरा में टाउन एरिया में बुला करके दिया था। वहीं पर मृतका की मां ने मृतका की पहचान योगेश से कराई थी और योगेश वहां पर अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से गया था, जो सब कुछ डिजिटली हम प्रूव करेंगे। और 1 महीने बाद फिर रुपए देने के बहाने फरार बुलाया और फिर वहां पर उसने बता दिया कि आज अभी निकला है। फिर उन्होंने जाकर एकरा मोड पर इन्होंने घेराबंदी की और जो ही कोहरे का समय था बहुत ज्यादा और ये पैदल जो ही अपने गांव की तरफ चलने लगा, इन्होंने दबोच करके खाली प्लॉट में इसको पटक के उसके गर्दन को दबाकर इसकी हत्या की तथा पत्थर से ईंटों से कुचल कर इसको खूनाउद किया। ये कोई आम हत्याकांड नहीं है, इसमें हर जगह अवैध रिश्ता ही मौत का कारण बना हुआ है। मुरारी की बेटी को रवि भगा कर ले गया था जिसका बदला मुरारी भूला नहीं था, तो वहीं रवि की मां श्यामवती के पास मथुरा में 35 लाख की संपत्ति थी। मुरारी ने जब उसे समझाया कि संपत्ति अपना करने के लिए रवि का मरना बहुत जरूरी है तो वो तुरंत मान गई और अपनी संपत्ति के पैसों में से अपने बेटे की सुपारी दे बैठी। अपने अवैध संबंधों के चक्कर में खुद अपने ही बेटे की जान की दुश्मन बन गई उसकी सगी माँ। अगर एक माँ ही अपने बेटे की हत्या करवाने लगे तो वाकई में दुनिया में रिश्तों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज भले ही श्यामवती सलाखों के पीछे हो, लेकिन सच बात तो यह है कि जो अपराध उसने किया है उसकी सजा चाहे कुछ भी हो, पर क्या उसका बेटा अब कभी लौट के आ सकेगा? शायद अब वो ये जरूर सोच रही होगी। उत्तर प्रदेश के आगरा से इमरान खान की रिपोर्ट।